server should also be running. Right, now my server is running. Now I'll just log in. I'll say dd@d.com and password is gandhar123. I'll click on login. So what I get is an object here. ठीक है, ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया. अब हमें क्या करना है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, हमने एक यूज़र मॉड्यूल बनाया है ये वाला, राइट. ये यूज़र मॉड्यूल में हमने कुछ राउट्स दिए कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉन्टैक्ट्स पेज पे आएगा और एक ऐड कॉन्टैक्ट्स नाम का पेज भी होगा उसमें. तो अब जब भी वो लॉगिन सक्सेसफुल होता है वो इस पेज पे आना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स पेज पे आना चाहिए. तो ये राउट्स तो हमने बना लिए, इधर फॉर चाइल्ड से राउट्स भी ऐड कर दिए, बट इन आर app.module.ts वी नीड टू लिंक दैट. तो ये जो यूज़र पाथ है, ये यूज़र पाथ में हमें वो लोड चिल्ड्रेन दे के उसे लिंक कराना पड़ेगा. सो आई विल से लोड चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस, आई विल से इम्पोर्ट /user/user.module. इसका सिंटैक्स मैं ही भूल गया, import./user.module क्या रहता था, सिंटैक्स याद है क्या इसका? याद है क्या किसी को? याद है कि नहीं है? So import this, right, dot then में we can have some variable m and m dot user module. Right, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि whenever a user यानी जब भी हम लोग ये यूज़र पाथ पे जाएंगे तो वो इंटरनली ये मॉड्यूल के पाथ भी उसके साथ मिलेगा, राइट. सो एट द एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि यूज़र में जब भी आप जाओगे तो यूज़र /contacts पाथ लेना चाहिए ये वाला, राइट. उसके लिए हमने ये लिंक किया है. ये सब कब होना चाहिए? ये सब तब होना चाहिए जब आप लॉगिन आपका सक्सेसफुल होता है. तो व्हाट वील डू इज़ वील गो टू लॉगिन login.component.ts. यहाँ अपना login सक्सेसफुल हुआ एंड यहाँ पर what we need to do is we need to do that routing. So to do that routing, what I'll do is I'll import router from @angular/router. Again हर जगह common चीज़ है, एक ही चीज़ है जो 50 बार कर रहे हैं हम लोग, कुछ अलग नहीं है. I'll inject इंजेक्ट हो गया कि यहाँ पर आई विल कॉल द नेविगेट फंक्शन. सो आई विल से दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट एंड इन नेविगेट आई विल गिव द पाथ user/contacts. सो व्हेनेवर माय लॉगिन इज सक्सेसफुल, राइट, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने नेविगेट करना चाहिए user/contacts पे, राइट. सो दिस इज आवर टारगेट. लेट अस सी अगर वो होता है क्या. आई लॉग इन, आई विल से dd@d.com, पासवर्ड इज gandhar123 एंड आई विल क्लिक ऑन लॉग इन, है ना. तो अब ये क्या हुआ, ये यूज़र लेआउट पेज में आया.
ये कहाँ आया है, यूजर लेआउट पेज में आया, लेकिन कॉन्टैक्ट्स का डिस्प्ले नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यूजर लेआउट में देर इज नो राउटर मॉड्यूल। सो लेट अस चेक दैट आउट इन आर यूजर लेआउट डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। वॉट आई डू इज इसके बाद आई सिंपली गिव अ राउटर मॉड्यूल, राउटर आउटलेट। अब देखो अब क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट वर्क्स भी आ गया। मतलब ये चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपन लॉगिन पे जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन पे ये हमने ये सब डेटा वेटा डाला और हमने ये लॉगिन फंक्शन कॉल किया। लॉगिन फंक्शन कॉल होने से क्या होगा, वो ये फंक्शन में आएगा, राइट? इस फंक्शन में आने के बाद वो क्या करेगा, सर्विस के थ्रू, यानी एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है वो सर्वर पे, ये लॉगिन फंक्शन के थ्रू। तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, अगर वो लॉगिन सक्सेसफुल होता है, राइट, तो वो क्या करेगा, ये सक्सेस को तो प्रिंट कर रहा है और इसके साथ में राउटर डॉट नेविगेट यूजर स्लैश कॉन्टैक्ट्स ये वाले पाथ पे वो नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये पाथ जो है ये कैसे रिजॉल्व होगा, तो पाथ जब भी देखना है अपन ने क्या करना है, पहले मेन अपने ऐप मॉड्यूल में पाथ देखना। तो उसमें पाथ क्या है, यूज़र, यूज़र उसका पाथ है। तो यूज़र के अगेंस्ट कंपोनेंट कौन सा कॉल हो रहा है, तो यूज़र लेआउट कंपोनेंट कॉल हो रहा है, राइट? तो यूज़र लेआउट कंपोनेंट का जो भी होगा वो डिस्प्ले होगा, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट आई हैव डन इज कि उसके जो भी चिल्ड्रेन होंगे, चिल्ड्रेन मतलब कि हमने जो एक यूज़र मॉड्यूल बनाया है उस मॉड्यूल के पाथ को भी हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। उस मॉड्यूल के पाथ इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, ये यूजर मॉड्यूल में जो भी पाथ है ये वाले, ये सारे पाथ अब वो यूजर के बाद में आएंगे, राइट? सो इट विल बी यूजर स्लैश कॉन्टैक्ट्स या यूजर स्लैश एड कॉन्टैक्ट्स, राइट? लेकिन राउटिंग चलने के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज दैट राउटर आउटलेट एलिमेंट। तो राउटर आउटलेट हम कहां देंगे, यूजर लेआउट में। ये अपन ने पहले एक H1 दिया था, उसके साथ में आई एम जस्ट गिविंग अ राउटर आउटलेट। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि वो यूज़र मॉड्यूल के जो भी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर उसके पाथ के अकॉर्डिंगली रिप्लेस होंगे, ये होने वाला है। तो अभी कॉन्टैक्ट्स हमने कॉल किया है, इसीलिए यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट्स का कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर आ गया। अगर हम लोग ऐड कॉन्टैक्ट्स करते हैं वो यूज़र मॉड्यूल में, इफ़ यू विल सी देयर इज़ अनदर ऐड कॉन्टैक्ट्स वाला ये पाथ। So instead of contacts, if I give add contacts here, तो वो add contacts का पेज डिस्प्ले कराएगा। तो ये add contacts work के HTML में add contact works लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला डिस्प्ले हो रहा है। ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है, ये समझने को तुमको टाइम लगने वाला है, राइट? देर इज़ नो डाउट इन इट, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली कि होने की क्या होना हो, क्या हो रहा है, राइट? ट्राई वो चीज़ ट्राई करो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसको टाइम लगेगा, देर इज़ नो डाउट इन इट, इसमें बहुत एरर्स आएंगे, समझेगा नहीं, राइट? बट अनलेस यू डू इट यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। एक बार वो समझने की देरी है, समझ गया कि तुरंत कर लोगे, राइट? यू गाइज आर शार्प इनफ टू डू दैट, राइट? सो दैट इज़ द थिंग विच वी हैव डन। तो मैं यहाँ से भी बैक गया, वापस मैं लॉग इन पे आया। अब नेक्स्ट इज कि ये जो भी कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स पेज जो है, ये कॉन्टैक्ट्स पेज में क्या दिखना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट्स पेज में दिखना चाहिए कि हमने जो भी कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं वो दिखने चाहिए। लेकिन ये कॉन्टैक्ट्स किसके दिखने चाहिए, ये कॉन्टैक्ट्स सिर्फ उनके दिखने चाहिए, राइट, जो जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, किसी दूसरे यूज़र के कॉन्टैक्ट्स दिखने नहीं चाहिए, राइट? दैट इज़ आर टारगेट, राइट? सो टू डू दैट व्हाट वी नीड टू डू इज़, जो ये यूज़र अपने पास आ रहा है, यहाँ पे हमें वो यूज़र आएगा, हम लोग जब भी लॉगिन करेंगे, आई क्लियर दिस, आई लॉगिन। सो आई से dd@d.com, पासवर्ड इज gandhar123, आई क्लिक ऑन लॉगिन। तो मुझे यहाँ पर वो यूज़र मिलता है, पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट। अब इसका जो आईडी है, दिस आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज़ दिस आईडी इंपॉर्टेंट, दिस आईडी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज कौन से यूज़र ने लॉगिन किया है ये हमें इस आईडी से मिलता है, कौन से यूज़र ने लॉगिन किया है वो हमें इस आईडी से मिलता है। तो ये आईडी जो है ये अपना यूज़र आईडी है। एंड डेटाबेस में अगर अपन देखेंगे तो डेटाबेस में कैसा है,
जो एक कॉन्टेक्स्ट डीबी डॉट यूजर अपना टेबल है और एक कॉन्टेक्स्ट नाम का टेबल है। तो कॉन्टेक्स्ट टेबल में क्या हो रहा है कि ये कॉन्टैक्ट तो ऐड हो रहा है लेकिन उसके साथ में यूजर आईडी भी है। अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी हैव इज ऑल्सो द यूजर आईडी। तो अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू वन, अगर मैं ये रन करता हूँ, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि सिर्फ वन यूजर आईडी वाले कॉन्टैक्ट्स मुझे दिखेंगे, राइट right? मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वो एपीआई कॉल करना है सर्वर का, राइट right? जिसमें मुझे सिर्फ ये यूजर आईडी के कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे, ये मुझे करना है, दैट इज माई टारगेट, राइट एंड दैट इज वॉट आई नीड टू अचीव, राइट। तो मुझे सिर्फ मेरे ही कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे, मुझे किसी और के कॉन्टैक्ट्स नहीं दिखेंगे, ये टारगेट है अपना, राइट। सो फॉर दैट ये यूजर आईडी जो है, ये यूजर आईडी कहीं ना कहीं हमको स्टोर करके रखना है। स्टोर करके रखना है मतलब क्या कि लॉगिन कर दिया तुमने, तो लॉगिन होने के बाद में अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो जो यूज़र का डेटा अपने को मिल रहा है उसका आईडी जो है वो हम लोग स्टोर करके रखेंगे। अब इस आईडी को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, अपने पास यूआई में कोई ऐसा डेटाबेस तो है नहीं कि जिसे अपन स्टोर करके रखेंगे। तो यूआई में देर इज अ स्टोरेज विच इज कॉल्ड एज लोकल स्टोरेज, है ना, ये लोकल स्टोरेज, ये लोकल स्टोरेज में हम लोग इसे स्टोर करेंगे। इसे कैसे तुम स्टोर करोगे, राइट, यू विल स्टोर इट दिस वे। सो यू विल गो टू योर अगेन लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस एंड आफ्टर दिस इज सक्सेसफुल आई विल से लेट यूजर कोलन एनी इक्वल्स टू सक्सेस, यानी मैंने वो यूजर का ऑब्जेक्ट ले लिया, जो भी डेटा आया ये एक एरे फॉर्मेट में मिलता है, अगर तुमने यहाँ देखा होगा तो कंसोल में ये एरे मिलता है। तो इसका जीरोथ एलिमेंट यानी अपना सक्सेसफुल यूजर है, उसका आईडी हमें स्टोर करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में आई वुड सिंपली से माय फर्स्ट वैल्यू इज द की, तो आई विल से यूजर आईडी एंड व्हाट इज माय सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज द वैल्यू। तो ये वैल्यू मुझे कैसे मिलने वाली है, यूजर ऑफ जीरो डॉट आईडी। तो मैंने क्या किया, ये जो सक्सेस मिला जो हमने ये प्रिंट किया था, ये सक्सेस यहाँ पर प्रिंट हुआ। ये सक्सेस क्या है, एक एरे है। ये सक्सेस को मैंने एक दूसरे वेरिएबल में ले लिया यूजर नाम के, राइट। तो अब ये यूजर एक एरे है। अब इस एरे का पहला एलिमेंट विच इज यूजर ऑफ जीरो, राइट, उसका आईडी जो है वो मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, तो लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहा हूँ। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, आई एम ट्राइंग टू स्टोर इट इन माई लोकल स्टोरेज, राइट। लेट अस चेक दैट आउट कि ये होता है क्या। सेव किया मैंने, यहाँ आया, तुम ये स्टोरेज में जाओगे, ये मैंने पहले किया हुआ था इसलिए यहाँ पर है, मैं यहाँ इसको डिलीट बोल देता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ वी विल गो टू लॉग इन अगेन, लॉग इन में अगेन आई विल टाइप dd@d.com एंड पासवर्ड इज gandhar123 एंड आई विल क्लिक ऑन लॉग इन एंड ये लोकल स्टोरेज में स्टोर क्यों नहीं हुआ, रिफ्रेश होता है क्या या कुछ कंसोल में एरर आया क्या, ये बंद करके वापस चालू करना पड़ता है क्या, ये स्टोर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, लेट अस डीबग, लेट से कंसोल डॉट लॉग यूजर ऑफ जीरो डॉट आईडी, आईडी का आई कैपिटल कर देता हूँ मैं जस्ट फॉर दिस पर्पस, राइट। आई विल गो बैक, आई विल से dd@d.com, पासवर्ड इज gandhar123, आई क्लिक ऑन लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर आईडी प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों प्रिंट नहीं हुआ, अपना ऐप रीलोड ही नहीं हुआ था, कुछ तो गड़बड़ेगा इधर, शायद अभी रीलोड हुआ हो,
आई अगेन सेव नहीं किया क्या मैंने, सेव तो है, ओके आई अगेन से dd@d.com पासवर्ड इज gandhar123 एंड आई क्लिक ऑन लॉगिन। हाँ अब मेरा यहाँ आईडी आया, वो आईडी जो मैंने प्रिंट किया था, अब शायद स्टोरेज में वो प्रिंट इन्हें स्टोर होना चाहिए, यस। तो अब स्टोरेज में यूज़र आईडी जो है वो 9 आया, 9 क्यों आया, बिकॉज इसका यूज़र आईडी यहाँ पर 9 होगा, यस। ये dd@c.com है, गड़बड़ेगा कुछ, ये 9 डीडी वाले का ही, इसको ही स्टोर किया था ना हमने, इसी से लॉगिन किया था ना। अच्छा ये कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ पे मिलेगा, यस। तो इट इज़ dd@d.com पासवर्ड इज gandhar123, उसका आईडी इज 9। लेट अस ट्राई टू लॉग इन विद दिस वन, e@d.com एंड gandhar111। तो यूज़र आईडी उसका 10 स्टोर होना चाहिए लोकल स्टोरेज में, राइट। सो आई विल गो बैक, राइट, आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, आई विल से क्या है, ee@d.com पासवर्ड इज gandhar111 एंड आई क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, कंसोल में गया, कंसोल में यहाँ 10 आया, लोकल स्टोरेज में ये वैल्यू जो है चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ रिफ्रेश किया तो हो गई, राइट। तो यूज़र आईडी जो है अभी 10 सेट हुआ, राइट। सो ये जो स्टोरेज है, दिस स्टोरेज विल बी एक्सेसिबल अक्रॉस ऑल द पेजेस और ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर एंगुलर एप्लीकेशन, राइट। दैट इज़ आर टारगेट, कि इस स्टोरेज को वी शुड बी एक्सेसिंग इट एट ऑल प्लेसेस, राइट। नाउ लेट अस सी कि अब ये यूज़र आईडी 10 के जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो हमें कुछ मिलते हैं क्या, लेट अस सी दैट। हाउ विल आई डू दैट, आई विल सिंपली से लॉग इन होने पे आई विल गो टू दैट कॉन्टैक्ट्स पेज, राइट। इन माय कॉन्टैक्ट्स पेज, राइट, व्हाट आई विल डू इज, जो अपने पहले सर्विस है, हाँ ये सर्विस, सो यू कैन क्रिएट अनदर सर्विस और यू कैन कीप द सर्विस एट सेम, और यहाँ पर आई विल से गेट कॉन्टैक्ट्स बाय यूज़र आईडी, एक फंक्शन मैं बना देता हूँ, राइट। एंड हियर आई विल से रिटर्न, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू अ गेट रिक्वेस्ट, सो आई विल से दिस .http.get अगेन http://localhost:3000/contacts/, अभी मुझे ये देखना है कि मुझे डेटा कौन से इस पे मिलता है, वो आइडियली सर्वर के कोड में जाकर देखना चाहिए, बट अभी के लिए अपन यहीं पे करके देख लेते हैं मिलता है क्या। और else I'll open the server code and we can check in that। हाँ यहाँ पे तो ये contacts है, ये contacts है, contact routes में get contacts get by user id है, okay। तो contacts/get by user id उससे मुझे मिलेगा, routes में contact है, okay। So I'll go to this, I'll say contact/get by user id, राइट, स्लैश मुझे एक यूज़र आईडी भी स्टोर करना है, लेट अस कम टू दैट लेटर, पहले अपन देखते हैं कि हमें नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट करने से डेटा मिलता है क्या। आई विल गो टू सफारी, यहाँ हमें नहीं मिला, गेट बाय यूज़र आईडी और 10 भेजा मैंने तो मुझे एक ब्लैंक एरे मिला, मतलब कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, यही अगर मैं 1 डालूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। तो ये यूज़र आईडी के लिए कॉन्टैक्ट्स है लेकिन 10 के लिए कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो लेट अस गो अहेड विद 10 अभी के लिए, राइट। और मुझे वो यूज़र आईडी जो मिलने वाला है, वो यूज़र आईडी मुझे कैसे मिलेगा, आई विल से लेट आईडी इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और जो आइटम आपने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया है, जो की है वो की आप यहाँ पास कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, वो की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आईडी, एंड उस आईडी को आप यहाँ चिपका दोगे, से प्लस आईडी,
तो मतलब ये URL क्या हो जाएगा, अभी यूजर आईडी में 10 स्टोर्ड है, तो URL विल बिकम ये लोकल होस्ट कॉन्टैक्ट गेट बाय यूजर आईडी एंड इसके बाद इट विल बी 10, तो /10 करके वो URL जो है वो जाएगी, राइट ऐसा मिल गया। ये मैंने कहाँ किया, ये मैंने सर्विस में किया, क्यों, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट हम लोग सर्विस में करते हैं। अब इस सर्विस को अपन अपने कॉन्टैक्ट्स कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे, सो लेट अस गो टू आर कॉन्टैक्ट्स कंपोनेंट। व्हाट विल आई डू हियर, आई विल इंपोर्ट दैट सर्विस। हाउ विल आई डू दैट, आई विल से इंपोर्ट लॉगिन सर्विस फ्रॉम .././ login.service, then I will inject it. How will I inject it? I will say private login /login/service. ये मैंने inject किया। inject करने के बाद next what I am going to do is I am going to say get contacts, and in this get contacts what I am going to do is I am going to call all my contacts, right? So how am I going to call? I'll say this dot login s dot get contacts by user id, or ye get contacts by user id dot subscribe. Subscribe mein do callback, pehla success, dusra error. I'll say console dot log error in case of error, and success ke case mein I'll say console.log success. Let us see कि अपने को ये मिलते हैं क्या। और ये जो get contacts है इसे मैं call करूँगा ng on init पे। अब ng on init जो है ये वो question, ये वो function है, right, which is always called when your page is initialized or when your component is initialized, right? तो ये वाला function अपने आप call होगा, उसकी वजह से ये get contacts call होगा। get contacts में हमें ये contacts component.ts में जब भी हम लोग आएंगे 21 पे, यहाँ पर अगर सक्सेसफुल होता है तो 21 पर यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। लेट अस चेक दैट आउट। ठीक है, वापस एप्लीकेशन में गए मैं पीछे। ओके, नाउ लेट मी लॉग इन। सो आई विल से dd@d.com, पासवर्ड इज gandhar123। कंसोल में चेक करेंगे, आई क्लिक ऑन लॉग इन। तो यहाँ देखो कॉन्टैक्ट्स कंपोनेंट डॉट टी एस में 21 नंबर, ये है मेरा 21 नंबर, राइट। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं मिला, क्यों, क्योंकि उस आईडी के ये ही नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है फॉर दैट आईडी। आई गो बैक, आई कैन लॉग इन विथ कॉन्टैक्ट आईडी 1, तो उसका यूज़र में देख लेते हैं। हाँ, b@b.com एंड गंधार, सो आई विल से b@b.com, पासवर्ड इज गंधार, एंड आई विल क्लिक ऑन लॉग इन। तो मुझे अब तीन ऑब्जेक्ट्स मिल गए यहाँ, ये तीन कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो ये यूज़र आईडी 2 के लिए मुझे तीन कॉन्टैक्ट्स मिले। इफ़ यू सी इन दिस, यूज़र आईडी 2 के लिए देर वुड बी 3 कॉन्टैक्ट्स, ये CC DD और EE जो मुझे यहाँ पर मिल गए। अब ये कॉन्टैक्ट्स का एक एरे मुझे मिला है, इस एरे को हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, एक टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देंगे, राइट। सो हाउ विल आई डू दैट, आई विल अगेन गो टू माई HTML, यहाँ पर एक मैं डेटा मेम्बर ले लेता हूँ। सो आई विल से कॉन्टैक्ट्स कोलन एनी इक्वल्स टू एक ब्लैंक एरे, देन यर आई विल से दिस डॉट कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू सक्सेस। अब ये कॉन्टैक्ट्स एरे में मुझे डेटा मिल गया, अब मुझे सिर्फ इसके HTML में इसको ng4 से एक टेबल में डिस्प्ले करवाना है। तो आई गो टू माय HTML, ये कॉन्टैक्ट वर्क्स में हटा देता हूँ, राइट, एंड आई हैव अ टेबल, इनसाइड टेबल, टेबल बॉडी, राइट, टेबल बॉडी में आई विल हैव TH, सॉरी टेबल में पहले टेबल हेडर देते, TH में आई हैव TH में पहला है सीरियल नंबर, सेकेंड इज आई विल गिव नेम, थर्ड इज आई विल गिव ईमेल, फोर्थ इज आई विल गिव कॉन्टैक्ट मोबाइल, इतने चार ही थे क्या, ईमेल मोबाइल नेम, ठीक है, राइट। एंड इन माई टी बॉडी आई विल हैव TR, एंड इन TR आई यूज़ एन ng4, सो आई विल से *ng4 इक्वल्स टू
लेट सी ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट्स हमने अभी जो एरे बनाया वो, राइट, एंड इसके साथ में आई विल गिव इंडेक्स, सो आई विल से लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स. इन दिस आई गिव टी डी, फर्स्ट वन इज आई प्लस वन विच इज माई सीरियल नंबर, सेकेंड वन इज सी डॉट नेम, राइट, जो नेम हमें मिलेगा, थर्ड वन इज सी डॉट ईमेल, उसका ईमेल आई डी डिस्प्ले होना चाहिए, एंड फोर्थ वन इज सी डॉट, चौथा क्या था, मोबाइल, राइट, एंड आई विल सेव इट. तो वो जो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पर डिस्प्ले हो गए. ये कौन से यूज़र के कॉन्टैक्ट्स है, वो यूज़र के जिससे हमने लॉगिन किया हुआ है, राइट. आई विल गो बैक, लॉगिन पेज पे जाता हूँ, आई विल गो टू dd@d.com, पासवर्ड इज गंधार, गंधार 123, राइट, एंड इसमें कॉन्टैक्ट्स कोई भी नहीं आएंगे क्योंकि ये यूज़र के कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, राइट. सो आई विल लॉग इन, तो यहाँ आया, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? बिकॉज ये पर्टिकुलर यूज़र का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है डेटाबेस में. आई विल गो बैक, आई लॉग इन विद सम अदर जिसके कॉन्टैक्ट्स हो, b@b.com एंड गंधार, सो आई विल से b@b.com, पासवर्ड इज गंधार. आई लॉग इन, मुझे उसके कॉन्टैक्ट्स मिल गए. तो व्हाट इज हैपनिंग इज, जो बंदे ने लॉग इन किया उस बंदे को उसी के कॉन्टैक्ट्स मिल रहे, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट. आई अगेन गो बैक, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज कि ये तो अभी ये यूजर जिसने लॉग इन किया उसके कॉन्टैक्ट्स मिल गए. नाउ वील हैव एक ऐड कॉन्टैक्ट्स बटन हियर, जिससे कि नया कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड होना चाहिए, राइट, दैट इज व्हाट आई विल डू. तो आई विल गो टू माई कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट डॉट html, ये टेबल जो है, ये टेबल के पहले आई विल गिव अ बटन, एड न्यू कॉन्टैक्ट, राइट, एंड इन दिस बटन आई विल सिंपली गिव अ राउटर लिंक, राउटर लिंक इक्वल्स टू, एंड आई विल से स्लैश यूजर स्लैश एड कॉन्टैक्ट, एड कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट है मुझे नहीं पता, बट ठीक है, राइट. एंड इफ आई क्लिक ऑन एड न्यू कॉन्टैक्ट, तो ये यहाँ पर राउट चेंज हो जाता है, एड कॉन्टैक्ट्स पे आता है, तो ये एड कॉन्टैक्ट पेज जो है वो डिस्प्ले होता है. अब ये एड कॉन्टैक्ट पेज में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ फॉर्म, राइट, जिसके थ्रू आप डेटा जो है वो डेटा इंसर्ट करोगे, राइट. सो विल स्टॉप हियर, आज का टारगेट इतना ही रखते हैं.